हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर नोटिफिकेशन जो कि रिलेटेड है साइंटिस्ट पोजीशन से। तो हम मल्टीपल इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटीज में देखेंगे कहाँ कहाँ पे जो है वो साइंटिस्ट की पोजिशन को निकाला गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरी किसी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला जो नोटिफिकेशन है वो है डिपार्टमेंट ऑफ वेटरनरी माइक्रोबायोलॉजी फैकल्टी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज PBHU मीन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ओके, तो यहाँ पे जो है पोस्ट है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की, जिसकी वैकेंसी 1 है, वहीं प्रोजेक्ट एसोसिएट की वैकेंसी 2 है इन द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT बायोडेक। और जो प्रोजेक्ट है वो इंटाइटल्ड है COVID-19 रिवर्स जूनोसिस एंड इट्स रोल इन री इमर्जेंस एंड इट विल बी सैंक्शनड अप टू 24 मंथ, मीन 2 ईयर्स का जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है वो मेंशन किया गया है। और जो पोस्ट है टोटली टेम्परेरी है और प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के साथ साथ जो पोस्ट है वो भी को टर्मिनेट हो जाएंगी। ठीक है, तो जो पहली पोस्ट है वो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट जिसकी वैकेंसी 1 है और क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे मांगी गई वो है PhD इन वेटरनरी माइक्रोबायोलॉजी वेटरनरी वायरोलॉजी बैक्टीरियोलॉजी इम्यूनोलॉजी। तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन PhD इन में से किसी सब्जेक्ट में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे इन्होंने सैलरी या एमोलूमेंट्स भी यहाँ मैसेज कर रखा है, तो वो है आपका 56,000 पर मंथ एलोंग विद दैट यू विल आल्सो गेट द HRA। तो HRA यहाँ पे रहेगा 8% रहेगा और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 45 इयर्स रहेगी। वही 5 इयर्स फॉर SC ST फिजिकली हैंडीकैप कैप को रिलैक्सेबल रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वही दूसरी पोस्ट देखें तो वो है प्रोजेक्ट एसोसिएट की जो 1 पोस्ट है, और यहाँ पे आपको होना चाहिए MVSC इन वेटरनरी माइक्रोबायोलॉजी वेटरनरी वायरोलॉजी वेटरनरी बैक्टीरियोलॉजी या आपका MSc इन लाइफ साइंस वर्क एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए मॉलिकुलर और इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक के साथ। यहाँ पे आपको सैलरी या एमोलुमेंट मिलेगा वो मिलेगा 35,000 का प्लस HRA आपको दिया जाएगा 8%। और यहाँ पे जो मैक्सिमम एज है वो 32 ईयर्स है और यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा 5 ईयर्स का फॉर SC ST फिजिकली हैंडीकैप पीपल के लिए। ठीक है, तो करना क्या आपको है, आपको एक जो है आपको अपना जो प्लेन पेपर में नाम परमानेंट एड्रेस या करस्पॉन्डेंस एड्रेस नेम्स ऑफ फादर नेम ऑफ फादर एंड मदर या टेलीफोन नंबर ईमेल एड्रेस और जो डिटेल्स है एजुकेशनल कैरियर्स की स्टार्टिंग फ्रॉम हाई स्कूल अलॉन्ग विद डेट यू हैव टू ऑल्सो अटैच द अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट एंड डिटेल्स ऑफ एनी रिसर्च और अदर एक्सपीरियंस। ओके, तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स वो आपको अपना प्लेन पेपर में CV के साथ अटैच करना है। और जो ये है ये आपको पहुँचना चाहिए 26 अक्टूबर 2020 तक आपका जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद डेट एप्लीकेशन ऑन द प्लेन पेपर वो आपको सेंड करना है। एड्रेस भी आप इन्होंने मेंशन कर रखा है, तो एड्रेस है द प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ वेटरनरी माइक्रोबायोलॉजी फैकल्टी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस राजीव गांधी साउथ कैंपस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे जो है आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद डेट एप्लीकेशन ऑफ प्लेन पेपर जो है वो भेजना है। तो चलिए हम देख लेते हैं दूसरा नोटिफिकेशन। तो दूसरा नोटिफिकेशन जो है वो केरला स्टेट काउंसिल साइंस टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं ये जो नोटिफिकेशन ये 1 अक्टूबर को ही रिलीज किया गया है। अब देख लेते हैं कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि क्या क्या वो हैं। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है नोटिफिकेशन में, तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल साइंटिस्ट की है वैकेंसी, जो पोस्ट है वो 2 है, पे बैंड भी यहाँ मेंशन कर रखा है जो कि 37,400 to 67,000 है, एज नॉट मोर देन 45 ईयर्स और एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका PG डिग्री होना चाहिए लाइफ साइंस मेडिसिन वेटरनरी साइंस या इनमें से किसी का भी आप में PG डिग्री होना चाहिए। और जो PhD अगर होना चाहिए यहाँ पे आपका वो स्पेशलाइजेशन होना चाहिए वायरोलॉजी इम्यूनोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी एंटोमोलॉजी में, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिनिमम 7 ईयर्स का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, विदाउट PhD यानी कि PhD अगर आपने किया है तो 5 ईयर में किया तो वो जो एक्सपीरियंस है वो काउंट नहीं किया जाएगा। तो आफ्टर PhD अगर आपने कहीं भी 7 ईयर्स का जो रिसर्च एक्सपीरियंस लिया है तभी आपका जो है यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, दूसरी पोस्ट है साइंटिस्ट सी की, इसमें जो पे बैंड है वो 15,600 to 39,000 है और जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 2 है, तो यहाँ पे एज जो है वो 35 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्लास PG डिग्री होना चाहिए लाइफ साइंस में मेडिसिन में वेटरनरी साइंस में या वायरोलॉजी में, PhD होना चाहिए वायरोलॉजी इम्यूनोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी एंटोमोलॉजी में, और यहाँ पे आपको मिनिमम 2 ईयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस भी होना पड़ेगा।
नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल ऑफिसर की है, तो यहाँ पे जो नंबर पोस्ट है वो 3 है। यहाँ पे सैलरी स्केल की बात करें तो 26,500 टू 56,700 है। एज यहाँ पे आपकी नॉट मोर देन 40 ईयर्स होनी चाहिए। और यहाँ पे जो है आपका फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन बायो इन्फॉर्मेटिक्स या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। और जो 5 ईयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन या ऑटोनोमस बॉडी में, ठीक है। तो ये सब जो है, अगर आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो आप जो है इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही इन्होंने देखिए यहाँ जॉब डिस्क्रिप्शन भी मेंशन कर रखा है। तो जॉब जो डिस्क्रिप्शन है टेक्निकल ऑफिसर का, ये इंस्टॉलेशन केयर मेंटेनेंस एज वेल एज सर्विस ऑफ ऑल सोफिस्टिकेटेड डेंजर रिसर्च इक्विपमेंट, ठीक है। तो ये सारे जो है यहाँ पे इन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं टेक्निकल ऑफिसर के लिए। तो ऐसी नेक्स्ट जो पोस्ट है वो टेक्निकल सपोर्ट है। तो यहाँ पे जो है अगर आपकी यूजी डिग्री है लाइफ साइंस में अलॉन्ग विद डेट 5 ईयर वर्क एक्सपीरियंस है या मास्टर डिग्री इन लाइफ साइंस है और 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, और अगर आपको PCR या RT-PCR NGS एनिमल सेल कल्चर एलाइजा एंड अदर मॉलिकुलर टेक्निक्स या टिश्यू कल्चर ये सारी जो टेक्निक्स अगर आपको आती तो यहाँ पे जरूर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। वही नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की, तो यहाँ पे जो मेंबर पोस्ट है वो 2 है। पे स्केल आपको यहाँ 20,000 to 45,800 होगा। एज लिमिट नॉट मोर देन 35 ईयर्स। और जो सेंसर क्वालिफिकेशन वहाँ पे आपका यूजी डिग्री होना चाहिए माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी जूलॉजी बायोलॉजी में, ठीक है। तो ये सब डिग्री अगर आपके पास है तो आप जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस है PCR में रियल टाइम PCR या NGS हैंडलिंग अगर आपको ये सब आता है तो यहाँ पे आपको जरूर प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर बात करें जॉब डिस्क्रिप्शन की, तो यहाँ पे जो है अगर टेक्निकल असिस्टेंट को विल बी टू असिस्ट साइंटिस्ट इन द लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक फैसिलिटी टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट एंड असिस्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट। तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट बनाने में हेल्प करना है, साथ ही साथ अगर कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है तो वहाँ पे आपको जो है मेन जो साइंटिस्ट है उसका हेल्प करने को पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो है आपको अपना बायोडाटा NOC अगर आप कहीं दूसरी जगह काम कर रहे तो आपको वहां से NOC और जो कॉपीज है सर्टिफिकेट का और जो 3 रेफरीज के नेम आपको जो है सेंड करना है मेंबर सेक्रेटरी केरला स्टेट काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट शास्त्र भवन पेट्टम तिरुवनंतपुरम बिफोर 16 नवंबर शाम 5 बजे से पहले, तो ठीक है। तो अपने वेबसाइट बायोडाटा NOC और दो ऐसे अटेस्टेड आपकी जो टेस्टिमोनियल्स हैं या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है, वो सब जो है आपको सेंड करना है इस एड्रेस पे। और ये एड्रेस ये जो आपका जो ये सारा पोस्ट के थ्रू आपको सेंड करना है बिफोर 16 नवंबर 2020 में, ठीक है। अगर ये हम नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट जो पोजीशन है वो है NIPCR में। तो यहाँ पे जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग वो NIPCR नोएडा में है और आपको यहाँ पे जो है साइंटिस्ट बी की पोजीशन जो है कि नॉन मेडिकल है और आपको COVID-19 लेबोरेटरी में वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे जो पोस्ट है वो 2 है। अगर हम बात करें सेंसर क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री होना चाहिए लाइफ साइंस में सब्जेक्ट जूलॉजी बॉटनी माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और आपको यहाँ पे 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और साथ ही साथ आपको जो है PCR RT-PCR भी आना चाहिए। ये आपके पास सेकंड क्लास PhD डिग्री होनी चाहिए जूलॉजी बॉटनी माइक्रोबायोलॉजी में विद PhD यहाँ पे होनी चाहिए। अगर PhD है और आपका सेकंड क्लास PhD डिग्री है तो आप उसके लिए भी एलिजिबल है। साथ ही साथ यहाँ पे डिजायरेबल है कि अगर आपने किसी COVID-19 लैब में अगर वर्क किया तो आपको यहाँ पे जरूर प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर बात करें एज लिमिट की, तो यहाँ पे आपको 35 ईयर से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। और जो एमोल्यूमेंट्स आपको मिलेगा वो मिलेगा 48,000 प्लस HRA। और जो ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे रहेगा वो 3 मंथ का रहेगा या टिल द COVID-19 एक्सिजेंसी, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर। और जो डेट ऑफ इंटरव्यू वो डायरेक्टली अगर मेंशन कर रखा है तो वो 8 अक्टूबर को ही है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट टेक्नीशियन की पोस्ट, वो भी जो नंबर पोस्ट है यहाँ 5 है, 3 अनरिजर्व के लिए 2 OBC के लिए। यहाँ सिर्फ 12th पास विद सब्जेक्ट एंड DMLT आपको पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, डिजायरेबल एक्सपीरियंस वर्क एक्सपीरियंस COVID-19 लैब, एज लिमिट नॉट मोर देन 30 ईयर्स, और जो एमोल्यूमेंट है वो 18,000 पर मंथ फिक्स, और जो ड्यूरेशन है और जो टाइप ऑफ इंटरव्यू है वो सारा सेम है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए इन्होंने यहाँ पे सारा जो टर्म्स एंड कंडीशंस वो भी मेंशन कर रखा है। इससे पहले एक और देख लेते पोस्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट टेक्निकल ऑफिसर की है। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट 17 है जिसमें 9 अनरिजर्व, 4 OBC, 3 SC और 1 ST की है। यहाँ पे आपको ग्रेजुएट होना चाहिए पड़ेगा लाइफ साइंस सब्जेक्ट में जूलॉजी बॉटनी माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी आदि अदर फील्ड में, ठीक है। इसके साथ ही अगर आपके पास 5 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है मॉलिकुलर बायो लेबोरेटरी फॉर न्यूक्लिक एसिड आइसोलेशन PCR और RT-PCR में तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। वही अगर आपका मास्टर डिग्री लाइफ साइंस किसी भी सब्जेक्ट में है तब भी जो है आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे जो है अगर आपने COVID-19 लैब में जो है वर्क किया तो यहाँ पे आपको जो है
प्रेफरेंस मिलेगा। और यहाँ पे जो एज है वो है नॉट मोर देन 30 ईयर्स, और जो एमोल्यूमेंट्स है यहाँ पे आपको मिलेगा 32,000 पर मंथ। यहाँ पे कोई भी एचआर इंक्लूडेड नहीं है, और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी 3 मंथ का रहेगा जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया अदर पोस्ट के साथ। और जो डेट ऑफ इंटरव्यू है वो है 9 अक्टूबर। क्लियर। इसके बाद इन्होंने देखिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बताई है कि जो पोस्ट है सब जैसे कि टेम्परेरी है, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और मेरी वीडियोस में, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट है वो टर्मिनेटेड विद 1 मंथ नोटिस फ्रॉम आइदर साइड। कोई भी आपको यहाँ बेनिफिट नहीं मिलेगा, पीएफ का, एचआरए का, सीटीसी का, इजी एडमिसिबल, ठीक है। एज रिलैक्सेशन जो है वहाँ पे ये आपको मिलेगा एज पर आईसीएमआर गाइडलाइंस, और जो एज वो काउंट होगी वो सितंबर 2020 होगी, ठीक है। नो टेबल चार्ज, आपको कोई भी टेबल चार्ज नहीं दिया जाएगा। और सारे इन्होंने मैसेज किया नो कैंडिडेट एंट्री विल बी अलाउड आफ्टर 9:30 AM। तो आपको जो है इंटरव्यू का देने का मन है तो आप बिफोर 9:30 AM जो है आप यहाँ पे चले जाइए, नहीं तो अगर आप उसके बाद जाते हैं 9:30 AM के बाद तो यहाँ पे आपको वो एंट्री नहीं देंगे। तो ये सब जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और साथ ही साथ जो है आप इंटरव्यू अगर जा रहे देने तो आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाइए, फोटो लेके जाइए, ठीक है, ताकि आप वहाँ पे जो है प्रेजेंट हो, वहीं पे वो जो है आप वहाँ पे साइन करना पड़ेगा, वहीं पे आप अपनी फोटो जो है वो पेस्ट करनी पड़ेगी। साथ ही साथ आइडेंटिटी प्रूफ ले लीजिए, अगर आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते तो आप रिजर्वेशन सर्टिफिकेट ले लीजिए, ठीक है, और अपने जो टेस्टिमोनियल्स है और जो मार्कशीट है वो भी ओरिजिनल लेके जाइए, ठीक है। तो यही मैं एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने डिस्कस किया डिफरेंट साइंटिस्ट पोजिशन और साथ ही साथ जो है टेक्निकल ऑफिसर पोजिशन या अदर टाइप ऑफ पोजिशन, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।